अरे यार फ्रेंकी भैया जल्दी उठो यार। अबे सिंचन क्या हो गया? अरे फ्रेंकी भैया आज वसंत पंचमी है, आप भूल गए क्या? अबे नहीं यार मैं भूलने से थोड़ी रहा भाई, आज वसंत पंचमी है, आज हम लोगों को कुछ करना है। अरे हाँ फ्रेंकी भैया आज मूर्ति उठानी है ना सरस्वती जी की। अबे हाँ यार आज हम लोगों को सरस्वती पूजा सेलिब्रेट करना है, लेकिन यार सिंचन कहाँ पे सेलिब्रेट करे? अरे फ्रेंकी भैया घर में और कहाँ। अबे यार पंडाल वंडाल बनाने पड़ते हैं उसके लिए। अरे फ्रेंकी भैया उससे क्या मिलके बना लेंगे ना। अबे मिलके बना ले लेंगे लेकिन उसके लिए जगह भी तो चाहिए। अरे कलुआ मैं बताता हूँ। अबे यार चौप को पता है क्या? वो भाई बताने की बात कर रहा है भाई कहाँ पे है। अरे चौप यार मेरे को बता दे। अरे यार कहाँ पे बनाएगा, मेरे घर के बगल में। अबे नहीं यार यहाँ पे जगह थोड़ी है, तू टट्टी वट्टी करके पूरा खराब कर दिया है। अरे फ्रेंकी भैया यार मैं बताऊँ क्या? अबे यार तुम दोनों में से मिलके कौन बताएगा, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई कहाँ पे बनाया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टप्पू भी भाई टप्पू गोकुलधाम सोसाइटी में भी बना रहा है। अरे फ्रेंकी भैया वो तो अलग बात है, हम लोग कहाँ बनाएंगे? अबे यार हम लोग भी बनाएंगे भाई, तुम लोग भी भाई मेरे को भाई कुछ भाई अच्छे से बताओगे तो ना। यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ सारे टेबल कुर्सी हटा के यहाँ पे भी बना सकते हैं। अरे कलुआ घर के अंदर नहीं अच्छा लगेगा। अबे यार घर के बाहर कहाँ पे बनाएंगे यार, तू ही बता दे चौप के बच्चे। अरे यार मेरे को नहीं पता। अबे भाई तेरे को पता ही नहीं है, नहीं बता रहा है भाई मेरे को, पर लग रहा है इधर भाई घास पे पंडाल बनाते हैं छोटा सा और मस्त बनाते हैं। अरे फ्रेंकी भैया जो करना है करो जल्दी से जल्दी। अबे यार मेरे को क्या करना है गाइस, यार यहाँ पे भाई ये चौप बता भी नहीं रहा है और भाई उल्टा सुल्टा एडवाइस दे रहा है। अरे यार जाके बाहर बना बाहर। अबे यार बाहर कहाँ पे बनाऊँ गाइस, यार मेरे को कोई आइडिया नजर नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि बाहर कहाँ पे बनाए गाइस, यार यहाँ पे भाई चोरी वोरी हो जाती है तो दिक्कत वाली बात है। और सिंचन यार हम लोग कहाँ पे बनाए, अंडरग्राउंड इसमें बना लेके गैराज में। अरे हाँ फ्रेंकी भैया ये भी बढ़िया वाला आइडिया है। अबे यार गैराज में भी बना सकते। अरे यार छत पे बना ले बहुत ही बढ़िया रहेगा। अबे यार चौप के बच्चे ने भी भाई अच्छा एडवाइस दिया, गैराज भी बढ़िया है गाइस, यार लेकिन गैराज पूरा का पूरा साफ सफाई करनी पड़ेगी एंड भाई बहुत ही ज्यादा मेहनत लगेगा उसके बाद गाइस, यार उससे पहले तो हम लोग भाई सोच रहे हैं कि भाई छत पे भी बना सकते हैं। अरे यार हाँ बढ़िया आइडिया है, मैं तो वही बोल रहा हूँ ना। अबे हाँ यार चौप भी बढ़िया आइडिया बता रहा है, हम लोग भाई छत पे भी बना सकते हैं गाइस, यार ये भी बढ़िया वाला लोकेशन है, यहाँ पे भी बढ़िया तरीके से बना सकते हैं, बट यार बंदे चढ़ेंगे कैसे? अरे यार कौन आएगा? अबे यार बाहर से बंदे आएंगे ना देखने के लिए भाई, मूर्ति हम लोग स्थापित करेंगे रखेंगे तो। अरे हाँ फ्रेंकी भैया यार गैराज बढ़िया है। अबे यार मेरे को भी लग रहा है गैराज भी ऊपर भी बना सकते हैं, बट यार बेटर रहेगा कि हम लोग गैराज में ही बनाए, है ना सिंचन? अरे हाँ फ्रेंकी भैया रात में ये क्लोज भी हो जाएगा। अबे हाँ यार रात में ऑटोमेटिक बंद भी हो जाएगा तो गाइस यार कोई टेंशन वाली बात ही नहीं रहेगी भाई, बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोग आज पंडाल बनाएंगे, सरस्वती पूजा को सेलिब्रेट करेंगे। अरे हाँ फ्रेंकी भैया बहुत ही खतरनाक तरीके से। अबे हाँ यार तो गाइस यार अभी काम यह है कि गाइस यार पूरा का पूरा गैराज को साफ करने पड़ेगी, जितने भी कचड़े के सामान है सारा निकालना पड़ेगा, उसके बाद गाइस यार हम लोगों के पंडाल में जो जो सामान लगते हैं उसको बुलाना पड़ेगा, क्या क्या सामान लगने हैं, और उसके बाद पर्दे वर्दे लगाने हैं, बहुत सारे चीज़ करने हैं। तो चलो यार भाई फटाफट से मैं भाई सामान वाले को बुला लेता हूँ, यानी कि पंडाल वाले को, क्या क्या लगने हैं और भाई इसमें क्या क्या ऐड होंगे। तो चलो यार फटाफट से मेरे को कॉल करके उसको बुलाना पड़ेगा, तो कॉल करके बुला लेता हूँ। तो गाइस यार इस वाले ट्रक में भाई कुछ इतने सारे सामान आए हैं तो देख सकते हो। अरे फ्रेंकी भैया सारा का सारा है ना इसमें? अबे हाँ यार सारा का सारा सामान होगा इसमें। तो गाइस देख सकते हो ये बहुत ही बड़ा सा गैराज है, ये गैराज आप लोगों को कैसा लगता है आप कमेंट में जरूर बताना। तो यार फिलहाल देख सकते हो भाई तूने सारे सामान लाए ना। अरे हाँ भाई साहब आपके सारे सामान आ गए हैं, आप चेक कर सकते हो। अबे यार चेक करने की जरूरत नहीं है भाई, तू जा सकता है अब भाई, अब काम स्टार्ट करते हैं। अरे हाँ फ्रेंकी भैया काम स्टार्ट करो फटाफट से पंडाल बनाने का। तो गाइस यार फाइनली मैंने चौप ने और सिंचन ने मिलके सरस्वती जी का बहुत ही बढ़िया तरीके से एक पंडाल बनाया है, और ये देख सकते हो शटर भाई ऑटोमेटिक क्लोज भी होता है और डोर ओपन भी हो जाता है, तो ये और भी खास बात रहती है। तो चलो यार सरस्वती पूजा आप देख ले सकते हो, लिखा भी है, और गाइस जैसे शटर ओपन होगा तो देखो बैलून भी सजाया है, फल वल भी रखे है, काफी सारा भाई प्लांट वलांट भी हम लोगों ने लगा दिया, तो देख सकते हो अच्छा लग रहा है ना चौप। अरे है कलुआ मैंने ही तो बताया है डिजाइन। अबे तूने तो छत के ऊपर बताया था, सिंचन ने बोला भाई इस वाले गैराज के अंदर लगाने के लिए, तो भाई गैराज के अंदर बहुत ही बढ़िया लग रहा है ना सिंचन। अरे हाँ फ्रेंकी भैया अब क्या करना है? अब यार गाइस यार अब एक और काम करना है, मूर्ति में पंडाल के लिए भाई हम लोगों को मतलब कि पंडाल के लिए मूर्ति लानी है। अरे तब सोच क्या रहे हो, चलो फ्रेंकी भैया चलते हैं। अबे हाँ यार चौप तू इधर ही रहना भाई, पंडाल की देखरेख करना। अरे यार मेरे को नहीं ले जा रही हो क्या? अबे तू जाके क्या करेगा भाई, तू इधर ही रहना, मैं और सिंचन आते हैं।
रही ठीक है यार तुम दोनों जाओ अकेले अकेले घूमो। अब यार घूमने थोड़ी जा रहा है यार चौप के बच्चे, तू भी क्या बोलते रहता है। तो चलो यार ये बोलेरो कैंपर से चलते हैं भाई मूर्ति लाने के लिए। आजा सिंचन। अरे हाँ फ्रेंकी भैया चलो यार, आप कुछ भूल तो नहीं रहे हो? अबे मैं क्या भूल रहा हूँ यार, सब तो हो ही गया भाई, पंडाल बनाई लिया, मूर्ति लानी है। अरे फ्रेंकी भैया आपने नहाया भी नहीं है आज तो। अबे सिंचन यार भाई नहाना जरूरी है क्या? अरे तो क्या फ्रेंकी भैया। अबे हाँ यार चलो यार मूर्ति लाने जा रहे हैं तो नहाना तो जरूरी है गाइस, यार कपड़े भी नए पहनने जरूरी होंगे, है ना सिंचन? अरे हाँ फ्रेंकी भैया वही तो बोल रहा हूँ, नहाना भी जरूरी है, कपड़े भी नए पहनने जरूरी है। अबे हाँ यार कपड़े भी नए पहनने जरूरी है और नहाना भी जरूरी है। तो गाइस यार फटाफट से चलते हैं अंदर और भाई नहा धोवा के निकलते हैं, है ना सिंचन? अरे हाँ फ्रेंकी भैया फटाफट से नहा लेते हैं और भाई सब निकलते हैं। अबे हाँ यार फटाफट से पहले नहा लेते हैं क्योंकि गाइस यार नहाना भी जरूरी है और भाई साहब नए कपड़े भी पहनना जरूरी है। तो चलो यार फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं फटाफट से, मैं स्विमिंग पूल के अंदर भाई छलांग लगाता हूँ और गाइस यार फटाफट से नहा लेता हूँ। अरे हाँ फ्रेंकी भैया जल्दी करो यार जल्दी। अबे हाँ यार जल्दी तो करना बनता है ना। तो चलो यार मैं तो भाई नहा लिया, तेरे को भी नहाना है? अरे फ्रेंकी भैया मैं तो सुबह से ही नए कपड़े पहन के रेडी हूँ। अबे तू नए कपड़े पहन के रेडी है? तो चलो यार मैं तो नहा लिया, अभी कपड़ा भाई चेंज करना है, उसके गाइस यहाँ से निकलना है ना सिंचन? अरे हाँ फ्रेंकी भैया उसके बाद ही निकलना है यहाँ से। अबे हाँ तो कपड़े वपड़े थोड़ा सुखा लेता हूँ धूप में, उसके बाद भाई कौन सा ड्रेस पहनू आज? भाई मेरे पास काफी सारे ड्रेस है तो भाई चुन के पहनना पड़ेगा क्योंकि आज सरस्वती पूजा है, आज स्पेशल डे है। तो चलो यार फटाफट से कोई ड्रेस बढ़िया सा पहन लेता हूँ। गाइस यार कौन सा ड्रेस पहनू यहाँ पे मेरे को भाई दिखाई दे, सूट वूट पहन लू क्या? अरे फ्रेंकी भैया सूट पहनोगे यार, सरस्वती पूजा में कौन सा सूट पहनना जाता है? अबे यार कौन सा कपड़ा पहनूं भाई, मेरे को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतने सारे मेरे पास कपड़े हैं। अरे फ्रेंकी भैया जल्दी करो यार जल्दी करो, मुहूर्त निकला जा रहा है पूजा पाठ का। अबे यार पूजा पाठ का भी मुहूर्त निकला जा रहा है और मेरे को भाई कपड़े भी सिलेक्ट करने में नहीं बन रहा है, कौन सा पहनूं यार, जैकेट ही पहन लूं क्या? अरे फ्रेंकी भैया जो समझ में आए पहनो। चलो यार जैकेट मैंने ये वाला सिलेक्ट कर लिया है, अब फटाफट से पैंट भी सिलेक्ट कर लेता हूँ कोई बढ़िया सा, और ये ब्लैक वाला भाई बढ़िया लग रहा है ना सिंचन? अरे हाँ फ्रेंकी भैया सब बढ़िया है, चलो अब निकलते हैं। अबे हाँ अब चलते हैं डायरेक्ट गाइस, और हम लोगों को जाना है मूर्ति को लाने एंड मूर्ति को हम लोग बोलेरो कैंपर में लाएंगे, उसके बाद हम लोग भाई पंडाल में रखेंगे, उसके बाद पूजा पाठ होगी, काफी सारे लोग आएंगे, बहुत ही ज्यादा भीड़ हो जाएगी। और चौप तू इधर क्यों आ गया? अरे यार मेरे को टट्टी लगी थी इसलिए नीचे आ गया। अबे यार तेरे को मैंने बोला था ना पंडाल की देखभाल करने के लिए और तू नीचे आ गया, चल फटाफट से ऊपर आ जा। अरे यार आता हूं टकले तू चिप रहा है। अबे मैं किस एंगल से टकला दिखता हूं यार, तुम लोग भी यार मेरा नया नाम निकाल दे। तो चलो यार कोई बात नहीं, आजा सिंचर बोलेरो कैंपर में आते हैं। अरे हाँ फ्रेंकी भैया बैठो बैठो। अबे हाँ यार बैठते हैं गाइस, चलो फटाफट से निकलते हैं क्योंकि गाइस हम लोगों को काफी सारे चीजें करनी है फिलहाल। अरे यार चलो चलो। अबे हाँ यार तू उधर ही रह भाई, तेरे को भाई रखवाली करने के लिए मैंने छोड़ा है। तो गाइस चलो मैं और सिंचन जा रहे हैं, फिलहाल हम लोग को भाई मूर्ति लानी है और चौप भाई पंडाल की देख रेख करेगा क्योंकि बाहर के भी कुत्ते वुत्ते आके भाई छेड़छाड़ ना कर दे, कुछ लोग भी आके भाई देख ले वैसा वैसा मत कर दे क्योंकि पंडाल बनाने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, मेहनत भी लगती है। तो इसी बात पे वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो लाइक कर देना, चैनल पे आपने तो सब्सक्राइब भी कर देना और गाइस यार बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को भी सेट कर देना। एंड गाइस यार जिन लोगों ने अभी तक हम लोगों को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाके इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना क्योंकि अगर आप हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो नेक्स्ट वीडियो के लिए सजेशन दे सकते हो और भी काफी सारे चीजें कर सकते हो, है ना सिंचन? अरे हाँ फ्रेंकी भी बहुत सारे चीजें कर सकते हैं हम लोग। अबे हाँ तो चलो यार फिलहाल अभी हम लोग जा। अबे भाई ये देख रहे हो बंदे कैसे कैसे गड्डी चलाते हैं, इनको खुद चलाने नहीं आता है और भाई क्या ही कर सकते हैं। तो चलो यार फटाफट से चलते हैं, अभी फिलहाल हम लोगों को कहाँ पे जाना है? अरे यार कौन है तुम लोग? अबे यार चौप का भाई कॉल आ गया, वो चौप भाई पता ही मैंने उठा भी लिया। अरे फ्रेंकी भी वो सब छोड़ो यार, कॉल क्यों कर रहे हो? अबे यार पता नहीं यार क्यों कॉल कर रहा है भाई, वो पूछ रहा है कौन हो तुम लोग। ओ भाई यहाँ से तो भाई अंदर जाने का रास्ता कहाँ है पे? ओ भाई चलो आगे, सिंचन कहाँ पे है? अरे फ्रेंकी भी आगे ही होगा मूर्ति का शॉप। अबे हाँ यार इधर ये रहा गाइस, यार फाइनली हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे बड़े बड़े मूर्ति है गाइस, कौन सी ले सिंचन? अरे फ्रेंकी भैया यार पंडाल के हिसाब से, साइज के हिसाब से। अबे साइज के हिसाब से तो ये बड़ी वाली मूर्ति हम लोगों के भाई गैराज में नहीं आ पाएगी क्योंकि काफी ज्यादा बड़ी है सिंचन। अरे हाँ फ्रेंकी भैया छोटी वाली ही आएगी। अबे हाँ यार छोटी वाली ये वाली रहेगी गाइस, छोटी वाली कितने की है, बड़े वाली कितने की है, वो सब मेरे को पूछना पड़ेगा। हेलो यार भाई साहब यार छोटी वाली मूर्ति कितने की पड़ रही है आप मेरे को बता दो। अरे आपको छोटी वाली लेनी है क्या? अबे हाँ यार मेरे को छोटी वाली लेनी है क्योंकि मेरे को छोटी वाली ही गैराज में आ पाएगी। अरे ठीक है छोटी वाली 5,000 में और बड़ी वाली आपको 10,000 में देखने को मिलेगी। अबे कोई डिस्काउंट नहीं चल रहा है, काफी महंगा दे रहा है तू। अरे नहीं यार आपके लिए सिर्फ 100 रुपया चेंज कर दूंगा। अब
होता है यार, 100 रुपया मतलब 4999 और नहीं नहीं 4900 सिर्फ। अब चल यार ठीक है यार, 4900 में ये मूर्ति काफी ज्यादा बेटर लग रही है। तो गाइस यार इस वाले को सिलेक्ट करें ना सिंचन। अरे अपने की ये बड़ी वाली तो गैराज में आएगी ही नहीं। अब यार बड़ी वाली तो गैराज में आएगी नहीं, कोई फंडा ही नहीं बैठता। तो चलो यार हम लोग छोटी वाली मूर्ति को सिलेक्ट करते हैं एंड उसके बाद हम लोग डायरेक्ट लेके जाएंगे। गाइस यार हम लोग कहाँ पे डायरेक्ट लेके जाएंगे, हम लोग अपने गैराज में, और इसको भाई अच्छे से भाई स्थापित करेंगे, पूजा पाठ करेंगे छोटी वाली मूर्ति को। तो चलो यार छोटी वाली मूर्ति को लेके चलते हैं। तो गाइस यार फिलहाल अभी हम लोगों ने बोलेरो कैंपर में ये छोटी वाली मूर्ति को ऐड कर दिया है। देख सकते हो आप लोग कितना प्यारा लग रहा है ना सरस्वती मैया का ये वाला मूर्ति। आप लोगों को कैसा लग रहा है आपको उनमें ज़रूर बताना। तो चलो यार फिलहाल सारे के सारे मूर्ति बिक जाएगी अभी कुछ देर बाद ही, हम लोग कुछ जल्दी आ गए है ना सिंचन। अरे हाँ फ्रेंकी भाई यार चलो फटाफट से पहुँचते हैं आप अपने घर पे। अब हाँ अब अपने घर पे जाना है एंड मूर्ति को भाई बढ़िया तरीके से गाइस यार हम लोगों को वहाँ पे सेलिब्रेट करना है अच्छे तरीके से। गोकुलधाम सोसाइटी वाले भी गाइस यार गोकुलधाम सोसाइटी में भी बढ़िया तरीके से पंडाल बनाया, गोकुलधाम सोसाइटी को डेकोरेट किया है और भी काफी सारी चीजें कर रहे हैं गोकुलधाम वाले। तो उस वाले वीडियो को देखना है तो जेएमके गेमर चैनल पे देख सकते हो। अरे थैंक यू भैया, ये कौन से रास्ते से जा रहे हो यार? अब ये शॉर्टकट रास्ता जाता है, मैं पहली बार जा रहा हूँ। क्या लगता है गाइस यार ये शॉर्टकट रास्ते से हम लोग निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, आप लोग बताना जरूर। अरे हाँ फ्रेंकी भैया यार चलो निकल जाएंगे। अब हाँ यार निकल तो जाएंगे गाइस यार, यहाँ से हम लोग आराम से निकल रहे हैं और देख सकते हो गाइस यार बहुत ही बढ़िया तरीके से निकल गए। अरे हाँ फ्रेंकी भैया निकल गए यार। अब हाँ यार अब ये देखो गड्डी फंस गई गाइस यार, मेरे को तो लग रहा है हम लोग फंस गए यार, मैं तो पहली बार इस वाले रास्ते से जा रहा था सिंचन। अरे फ्रेंकी भैया यही करोगे क्या, लेट हो जाएगी घर जाने में? अब नहीं नहीं रास्ता मेरे को ख्याल से सही है, इधर ही से जाता, अब हम लोग रोड पे आ जाएंगे। ये देख सिंचन रोड पे आ गया ना। अरे हाँ फ्रेंकी भैया मैं तो डर ही गया था यार। अबे डरने की कोई बात नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ यार, फ्रैंकलिन मेरे साथ है तो भाई तेरे को डरने की कोई बात नहीं है। तो चलो यार जिन लोगों ने अभी तक हम लोगों के वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दो, चैनल पे आपने तो सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन को गाइस दबा के ऑल नोटिफिकेशन को भी सेट कर देना, क्योंकि यहाँ पे हमेशा की तरह लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलते रहती है। एंड गाइस यार ऐसी वीडियो पूरे यूट्यूब पे कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगी जैसे जिस टाइप की हम लोग वीडियोस बनाते हैं आप लोगों के लिए। तो चलो यार फिलहाल अभी हम लोग पहुँचने वाले अपने घर पे एंड भाई टप्पू भाई बहुत ही बढ़िया पंडाल बनाया हम लोगों के जैसा। अरे फ्रेंकी भैया क्या बात कर रहे हो, गोकुलधाम सोसाइटी में? अबे हाँ यार गोकुलधाम सोसाइटी में ही की बात कर रहा हूँ। तो चलो यार फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं भाई चौक, तो भाई हम लोगों का इंतजार कर रहा, कॉल लगा उसको। अरे फ्रेंकी भैया अब क्या कॉल लगाऊं यार, अब तो पहुंचने ही वाले हैं। अबे हाँ यार अब क्या कॉल लगाएगा तू, अब तो पहुंचने ही वाले हैं। तो चलो यार अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं अपने घर पे, इस वाले भाई मूर्ति को पंडाल में स्थापित करेंगे और काफी ज्यादा अच्छा रहेगा सिंचन। अरे हाँ फ्रेंकी भैया जल्दी करो यार। अबे हाँ यार जल्दी करते हैं, तो भाई चौक इधर ही है। अरे यार इतना कौन लेट लगाता है कल हुआ? अबे यार ज्यादा थोड़ी लेट हुआ था यार चौप के बच्चे। अरे फ्रेंकी भैया वो सब छोड़ो जल्दी से जल्दी ये रखो। अबे हाँ यार जल्दी से जल्दी अब मूर्ति को गाइस यार हम लोग स्थापित कर देते हैं अपने भाई साहब पंडाल के अंदर। तो ये देखो गाइस यार फाइनली कितना बढ़िया लग रहा है ना सिंचन। अरे हाँ फ्रेंकी भैया मजा आ गया देख के। गाइस यार ये देखो सरस्वती पूजा लिखा है हम लोगों ने बैलून, पहले ये वाली कार को भाई पार्क कर देता हूँ क्योंकि भाई बाहर से लोग आएंगे ना सिंचन। अरे हाँ फ्रेंकी भैया मैं भी आता हूँ। अबे तू बैठ के क्या करेगा गाइस यार, ये साइड में लगाया ये वाली कार को बोलेरो कैंपर, आप लोगों को कैसे लगती है आपको मैं जरूर बताना। उसके साथ गाइस यार ये वाली हम लोगों की भाई अपनी बोफैलो एस वाली कार को भी साइड में कर लेते हैं क्योंकि भाई काफी ज्यादा भीड़ भीड़ मेरे को पता है यहाँ पे आएगी, क्योंकि भाई पहली बार गोकुलधाम सोसाइटी में भी ऐसी मूर्ति उठी थी और लॉस सैंटोस में हम लोगों ने पहली बार ऐसा पंडाल बनाया है और भाई सरस्वती पूजा को ऐसे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो भाई बहुत ही बढ़िया वाली ये वीडियो होने वाली है, इसलिए यार चैनल पे आपने हो तो सब्सक्राइब कर देना। और चलो यार फटाफट से पूजा पाठ स्टार्ट करें ना सिंचन। अरे फ्रेंकी भैया आपने किसी को कॉल करके बुलाया है क्या? अबे हाँ यार मैंने काफी सारे दोस्तों को भी बताया था कि हम लोग सरस्वती पूजा सेलिब्रेट कर रहे हैं तो भाई वो लोग आ ही रहे होंगे। अरे ठीक है फ्रेंकी भैया देखते हैं कब वो लोग आएंगे। तो गाइस यार अभी पूजा पाठ संपन्न हो गई है और देख सकते हो कितना बढ़िया तरीके से हम लोगों ने किया था। और ये आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, जिन दोस्तों को मैंने बुलाया था सारे के सारे दोस्त आ गए, देख रहा है सिंचन। अरे हाँ फ्रेंकी भैया आपके तो बहुत सारे दोस्त आए हैं। अबे यार काफी सारे दोस्त आए हैं, तो गाइस देख सकते हो कितना बढ़िया तरीके से हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो। और ये सरस्वती पूजा आप लोगों को कैसा लगा आपको हमें जरूर बताना एंड भाई वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक कर देना, चैनल पे आपने तो सब्सक्राइब भी कर ही देना। तो देख सकते हो चलो मिलते आपसे नेक्स्ट वाले एपिसोड में, ऐसे ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को दबा सकते हो और नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर सकते हो। तो चलो यार मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाले एपिसोड में।